मैं हूं लोकेश और आज के वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सा ओवन टोस्टर ग्रिलर, एक ओटीजी जो कि आपको मिल जाता है प्रेस्टीज की तरफ से, कुछ इस टाइप का बॉक्स के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एक माइक्रोवेव ओवन अगर आप परचेज नहीं करना चाहते और उसका एक बहुत ही शानदार अल्टरनेट आपको परचेज करना है, एक ओटीजी आपको परचेज करना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। वाजिब रेट के अंदर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने फैमिली के अंदर 4, 5, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, तब ये जो साइज है इसका 26 लीटर का बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। अब मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये होता है कि भैया ओवन जो है क्या क्या काम कर सकता है, ओटीजी क्या क्या काम कर सकता है, तो ओटीजी का मतलब ही यही हुआ कि ओवन से रिलेटेड सारे के सारे काम कर देगा, साथ ही साथ टी मतलब इसका टोस्टर से रिलेटेड सारे काम कर देगा, साथ ही साथ जी मतलब ग्रिलर, मतलब ओवन टोस्टर ग्रिलर, ये सारे के सारे काम आपके इस ओटीजी के अंदर हो जाने वाले हैं। बिल्कुल देसी तरीके का एक जुगाड़ होता है। उनके अंदर क्या होता है, रॉड्स होती है, वो रॉड्स आपकी हीट होती है, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट आपके गर्म होते हैं, उसके थ्रू आपका जो भी खाना है वो पकता है, गर्म होता है, जो आप काम करते हैं वो बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आपका बनने वाला होता है। परंतु माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव्स होती है, उसके थ्रू आपका जो खाना है वो गर्म होता है, तो एक तरीके से दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है। मगर जो एक ओवन होता है वो आपके सारे के सारे काम, किचन के जो भी आप करने वाले हैं, मान लीजिए आप केक बनाना चाहते हैं, बेकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, ग्रिलिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, हर कंडीशन के अंदर ये जो प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए बिल्कुल खरा उतरने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस बॉक्स की हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस ओटीजी की अनबॉक्सिंग करते हैं, आपके पास में कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट आपके सामने निकल के आता है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप है आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका जो लुक है आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की आपको लुकिंग मिलती है। ठीक है, फ्रंट से आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको साइड के अंदर आपको कुछ इस टाइप की लुकिंग मिल जाती है, पूरे का पूरा कंप्लीट इसको फ्रंट एंड बैक से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका 1500 वॉट का है, मतलब 1500 वॉट का है। 1500 वॉट का आप सोचेंगे कि भैया बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। 1500 वॉट का मिनिमम, कम से कम ओटीजी अगर आपका है तो आपका काम भी थोड़ा सा फास्ट होता है, तो इससे आपके समय की भी बचत होती है और साथ ही साथ जो भी आप रेसिपी इसके अंदर बना रहे हैं, कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, वो भी जो है बहुत अच्छी बन के तैयार होगी और बहुत फास्ट आपका काम होने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक हैंडल मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कन्वेक्शन का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है साइड के अंदर। ये जो ऑप्शन है एयर फ्रायर का ऑप्शन या कन्वेक्शन का ऑप्शन, गर्म हवा से आपका खाना पकता है, उस चीज़ का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप रोटेशनरी साथ ही साथ कन्वेक्शन सिस्टम को किस तरीके से यूज़ में लेना है वो सारा का सारा जो सिस्टम है आप कुछ इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट टाइमर की सेटिंग मिल जाती है, 0 से लगाकर 60 मिनट्स तक का जो टाइमर है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको रेड कलर की लाइट मिलती है, इंडिकेटर मिलता है, इससे ये पता चलेगा कि जो आपका ओटीजी है वो ऑन है या ऑफ कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। यहाँ पर आपको जो है वारंटी कार्ड कम इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको रेसिपी बुक भी मिलती है, काफ़ी सारी रेसिपीज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रेज यहाँ पर आपको मिल जाती है। एक यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की एक मेटल की ट्रे मिल जाती है। इस मेटल की ट्रे का यूज़ ये है कि जब भी आप इस ओटीजी को यूज़ में लें, इस मेटल की ट्रे को आप नीचे की तरफ लगा दें कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी आप काम, मान लीजिए आप ग्रिलिंग का कोई काम कर रहे हैं, तो ग्रिलिंग का काम करते वक्त मान लीजिए कोई भी कचरा वगैरह, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़, ऑयल वगैरह डायरेक्ट जो है इसके ओटीजी के बेस में ना गिर के इस ट्रे के अंदर गिर जाए, जिससे आप इजीली आप इस ट्रे को निकाल कर आप क्लीन कर लें, ओटीजी को आपको क्लीन करने में ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की जो है ग्रिल टाइप की एक प्लेट मिल जाती है, ग्रिलिंग के हिसाब से कह सकते हैं या फिर वायर्ड रैक आप इसे कह सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल ट्रे होती है ये। उसके बाद में एक आपको मिल जाती है ब्लैक कलर की इनेमल्ड बेकिंग ट्रे, बेकिंग के हिसाब से ब्लैक कलर की ये वाली जो ट्रे है वो बहुत ही शानदार क्वालिटी की है, तो बेकिंग के सारे काम जो है इसी ट्रे के अंदर आपके होने वाले हैं। यहाँ पर आपको रोटेशनरी का ऑप्शन मिल जाता है, इन रोटेशनरी के साथ में आपको यहाँ पर क्लिप्स भी दिए गए हैं, इन क्लिप्स को जो है आप यूज़ में लेकर साथ ही साथ रोटेशनरी को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। रोटेशनरी का जो सिस्टम है उसको यूज़ में लेना काफ़ी ईजी होता है, कुछ इस तरीके से आप इसके अंदर फिट कीजिए।
और रोटेशन का काम इसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ क्लिप्स दिए जाते हैं, जैसे एक क्लिप आपको ये वाला दिया जाता है, इसके थ्रू जो भी ट्रे वगैरह आप इसके अंदर से निकालना चाहते हैं वो इजीली निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कुछ इस टाइप का एक क्लिप और मिल जाता है, इससे आप रोटेशन को इजीली इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार इस वजह से होता है बिकॉज इसकी रेट भी, यहाँ पर कंपनी ने जो इसकी प्रिंट रेट मेंशन कर रखी है 26 लीटर ओटीजी की, वो है 10,995 रुपीज़, मतलब 10,995 रुपये। और बहुत ही जबरदस्त लेस, मतलब अराउंड 35% लेस करने के बाद में ये प्रोडक्ट आपको मात्र और मात्र 7,200 रुपये की रेंज के अंदर मिल जाने वाला है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको वहाँ पर मिलने वाला है, साथ ही साथ जो रेट है वो भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पे नहीं करना है। साथ ही साथ इस टाइप की वीडियोस मैं जनरली आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, जिससे आप लोगों की परचेजिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए, आप लोग टाइम टू टाइम मेरे साथ में अपडेट रह सके, कौन सी चीज़ मार्केट में नहीं आई है या फिर किस चीज़ पर बहुत अच्छा लेस चल रहा है वो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।